हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो इंडिया। मैं हूं अतः राशमी और आप देख रहे हैं टेक्नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं के टैग और केस में डिफरेंस। ये हमें यूट्यूब के किसी कमेंट में मिला था ये सवाल कि जो बेसिक डिफरेंस होता है के टैग में और केस में वो क्या होता है। तो हमारे पास में के टैग का क्लोन वर्जन है और केस का भी क्लोन वर्जन है। इन दोनों के प्रैक्टिकल्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखा चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है ये खास तौर पे इसलिए बनाया गया है कि आपको केस में और के टैग में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं के टैग की। के टैग जो है खास तौर पे इस्तेमाल होता है रीडिंग और राइटिंग के लिए। किसकी रीडिंग राइटिंग? आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है या जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलती है उसकी रीडिंग राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। के टैग की ये भी खासियत होती है कि आपको एक कंप्लीट जो आपका सर्किट है उससे डेटा निकालने की अनुमति देता है। ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है। अब अगर आप बात करें केस की, तो केस में बेंच प्रोग्रामिंग भी होती है, साथ ही साथ इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप सीधा डायरेक्टली OBD पोर्ट में केबल लगाएं और जो डेटा है आपके कार के ECU का उसको सीधा ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक के थ्रू निकाल लें। तो ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है। तो ज़्यादा आसान कौन सा हुआ दोस्तों, ये आप अपने दिमाग में रखिए। दूसरा जो डिफरेंस है, के टैग में आपको सोल्डरिंग की आवश्यकता पड़ सकती है और ये थोड़ा सा काम क्रिटिकल हो जाता है। या तो आप सोल्डरिंग करें या तो आप जो आपके पास में कनेक्टर्स दिए होते हैं उस जगह पर आपको प्रोब इस्तेमाल करना है ताकि आपकी सर्किट जो है वो कम्प्लीट हो सके। तो ये के टैग की फंक्शनैलिटी है। फिर आता है आपका केस। केस में आपको OBD पोर्ट की ज़रूरत पड़नी है। इसमें आपको सोल्डरिंग की या डायरेक्ट कनेक्शन जो हम प्रोब से करें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ECU बोर्ड से आपको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा OBD पोर्ट से कनेक्शन करके अपना काम निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो के टैग है उसका इस्तेमाल लोग चिप ट्यूनिंग के लिए भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस क्योंकि आप कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर का। तो जब माइक्रो कंट्रोलर आपके हाथ पे होगा तो आप उसका प्रोग्राम को पढ़ के उसका जो भी प्रोग्राम है मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं। अब बात आती है केस की, तो केस जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ECU प्रोग्रामिंग। आपको अगर प्रोग्रामिंग करनी है OBD पोर्ट के थ्रू तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है इसको कोई भी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। चौथा डिफरेंस जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं, क्योंकि के टैग में आप ऑलमोस्ट जितने भी प्रकार के ECU हैं उसको पढ़ सकते हैं, उसके प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। वजह क्या है इसकी? क्योंकि आप डायरेक्टली ECU के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है OBD पोर्ट की, तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कार हैं, जितने भी कार के मॉडल्स हैं, व्हीकल के मॉडल्स हैं, उसमें से आप उसके ECU के साथ कनेक्ट कर ही लेंगे। तो केस कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा के टैग से फीका पड़ता है और के टैग जो है वो काफ़ी पावरफुल टूल है। पांचवा और आखिरी जो डिफरेंस है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि अगर आप बिल्कुल नया नया स्टार्ट किए हैं ECM रिपेयरिंग, ECM प्रोग्रामिंग, तो आपके लिए केस एक बहुत अच्छा टूल है। और जब आपकी बहुत अच्छी इसके साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप के टैग में भी मास्टरी कर सकेंगे, क्योंकि के टैग जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस ट्यूनर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुत ही प्रोफेशनल टूल है, जिसमें आपको हाई लेवल का कंट्रोल मिलता है। CPU जो आपका ECU है उसकी प्रोग्रामिंग करने में आपको आसानी होती है। इसके उलट आप बात करेंगे तो जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत ही अगर आप सिंपल तरीके से फास्टर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे बताइए। और जो मैंने आपको शुरुआती पहले डिफरेंस में ही क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, आप किस पे ज़्यादा काम करते हैं, आपके पास में कौन सा टूल है, केस है या के टैग है या आप कोई तीसरा ही टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएँ। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।